So welcome again. Start today's lecture. So आज का जो correct topic है that is expressions. ठीक है, तो हम देखेंगे expressions क्या होते हैं. Most of you will be familiar. I mean all of the I guess all of you इन चीजों से familiar होंगे. Mostly जो mathematical background से या ये वो चीजें हैं जो हम इन द प्राइमरी एजुकेशन द मिडिल एजुकेशन ये चीजें करते आ रहे हैं. बस यहाँ पर इन कुछ चीजों का हम नाम थोड़ा डिफरेंट नॉर्मल क्लचर थोड़ा डिफरेंट है, बाकी वही चीजें हैं जो हम करते आ रहे हैं. ठीक है, सो व्हाट्स एन एक्सप्रेशन. सो एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स. एक्सप्रेशन एक चीज होती है, एक स्टेटमेंट होता है जिसमें क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स. ठीक है, विल सी व्हाट इज ऑपरेटर. कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स हमें पता है जिनका वैल्यू चेंज नहीं होता. एंड वेरिएबल्स, ठीक है, एन एक्सप्रेशन में कॉन्स्टेंट ऑफ वन आर मोर ऑपरेंड्स. ठीक है, ऑपरेंड्स एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं. ठीक है, एंड जीरो और मोर ऑपरेटर्स, या ऑपरेटर हो नहीं सकता या एक या दो एक से ज्यादा ऑपरेटर हो सकते हैं टू प्रोड्यूस अ वैल्यू. लाइकवाइज in programming an expression is a legal combination of symbols that represent a value. Programming mein kya hai expression kisko hum kehte hain legal. Legal means jo allowed hai combination of symbols. Suppose combination of we have variable x y, we have operator plus sign minus sign that signs. To inko jab hum milate hain aapas mein to ye kyunki ek output ek value ban jata hai. To jo legal hai, legal ka matlab jo allow karte hai hamari programming language, तो वो एक एक्सप्रेशन बन जाती है. तो ऑपरेंड एक ऑपरेंड होता ही हमारे पास वी कैन हैव इन द नेम ऑफ चाहे वो डायरेक्ट ऑपरेंड हो सपोज वैल्यू है 2, 3, 5, 7 समथिंग और इन वेरिएबल एक्स वाई जेड जो भी हो. ठीक है, तो अगर हम एक एग्जांपल देखें ऑपरेंड की एक्सप्रेशन की तो वी हैव हियर सिंपल एक सिंपल एग्जांपल. तो एक्सप्रेशन इससे ज्यादा बेटर where a plus b, this a plus b is an expression. ठीक है, a plus b एक expression है. अब इसमें a operand है और b भी operand और ये जो plus है this is an operator. ठीक है, तो हमारे पास operands होते हैं. ठीक है, और operator होता है. operands का value होता है और operator से कोई operation होता है उनपे. so suppose a और b का कोई value होगा प्लस जो ऑपरेटर है इनको बोलते हैं एडिशन करना है. अगर यहाँ पे माइनस होता तो इनको सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है. या अगर डिवाइड की साइन होती डिवीजन होता तो इनको डिवीजन करना पड़ता. तो ऑपरेंड्स में वैल्यू होता है, ऑपरेंड्स डिफाइन करते हैं कोई वैल्यू और ऑपरेटर जो है हमें बताता है कि क्या फंक्शन करनी है, कौन सा काम इनपे करना है. ठीक है, पिक्चर जो डिफाइन करते कि क्या होता है हमारे हमारा ऑपरेटर क्या होता है. ठीक है, तो जैसे हम लिखते हैं सम ऑफ टू नंबर्स या समथिंग लाइक दैट, हम सम में डालते हैं सम इज इक्वल ए प्लस बी और समथिंग. तो यहाँ पर ऐसे ही हमारे पास एक रिजल्ट है, ये एक ऑपरेंड ही है, एक वेरिएबल है, वेरिएबल है. ठीक है, टू स्टोर द एक्सप्रेशन वैल्यू. ये इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू, इस एक्सप्रेशन का जो सारा का सारा वैल्यू आ जाएगा. ठीक है, ये किस में चला जाएगा, एट द एंड, एट द एंड इस रिजल्ट में चला जाएगा. ठीक है, हमारे पास ए है यहाँ पर, ये एक ऑपरेंड है. हमारे पास प्लस है, ये एक ऑपरेटर है. फिर बी है, ये एक ऑपरेंड, एक और ऑपरेंड है. फिर माइनस साइन है, ये एक ऑपरेटर, एक और ऑपरेटर है. फिर सी है, एक ऑपरेंड, एक और. फिर सो एंड सो वी कैन हैव अदर थिंग्स एज वेल. ये एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है. वी कैन हैव लाइक दिस, लाइक जेड इज इक्वल टू एक्स. अब देखो इसमें कोई ऑपरेटर ही नहीं है, बस उसमें एक्सप्रेशन है. जेड में क्या चला जाएगा, x का वैल्यू चला जाएगा. ठीक है, तो एक सिंपल सी एक ऑप्शन है हमारे पास. ठीक है, तो दिस इज आल्सो एन एक्सप्रेशन. तो यहाँ पर हमें एक बड़ी सी एक्सप्रेशन है, रिजल्ट में चला जाता है इज इक्वल टू के दिस साइड, राइट साइड पे, राइट वैल्यू पे, आर वैल्यू से बोलते हैं और यहाँ पे इसको लेफ्ट वैल्यू बोलते हैं. रिजल्ट के राइट वैल्यू पे, इज इक्वल टू के राइट वैल्यू पे जो भी हमारी चीजें हैं वो इवॉल्वेट हो जाती है. बाय इवॉल्वेट का मतलब इस ए का कुछ वैल्यू होगा, इस बी का भी कुछ वैल्यू होगा, इस सी का भी कुछ वैल्यू होगा और जो जितना भी ये बड़ा हो. फिर इन पे ये ऑपरेशन होंगे, ये स्टार ऑपरेशन होगा, ये प्लस ऑपरेशन होगा. ठीक है,
वी नो इट विल बी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हमारे यहाँ पे काम होता है, ठीक। तो इस सब का जो वैल्यू होगा वो इस रिजल्ट में चला जाएगा। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये जो एक ओवरऑल एक एग्जाम्पल है, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन की एग्जाम्पल है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन की एग्जाम्पल है हमारे पास। और ऐसे हम एक्सप्रेस एक सिंपल सी एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है, जिसपे क्या है हमें यहाँ पे रिजल्ट में इज इक्वल के साइन, इज इक्वल का साइन क्या बोलता है हमें पे, कि जो राइट साइड पे वैल्यू है, जो इस साइड पे वैल्यू है, ये इवॉल्वेट हो जाएगा। तो एक्सप्रेशन है इवॉल्वेट, इवॉल्वेट का मतलब इसका, क्योंकि ए का कुछ वैल्यू होगा, बी का कुछ वैल्यू होगा, फिर इन पे प्लस साइन, मल्टीपल साइन, डिवीजन साइन, जहां पे भी ये ऑपरेटर्स है वो ऑपरेशन होंगी, और एट द एंड रिजल्ट जो जाए चला जाएगा वो यहाँ से चला जाएगा लेफ्ट साइड में, इज इक्वल के लेफ्ट साइड में रिजल्ट चला जाएगा। Then we have types of expression, ठीक है? One of the type of expression called as infix operation. Infix क्या होता है? In which operator is in between operands. यहाँ पे जो operator होता है, देखो a और b के in the between is plus, तो it's called infix. तो operator कहाँ है? उसको ऐसी in is between. In का मतलब in between the two, ठीक है? Between the two. तो जब infix हम बोलते हैं, तो जो operator होता है, वो operands के दरमियान होता है, इन बिटवीन होता है। वी हैव प्रीफिक्स, प्री मीन्स पहले, ठीक है, तो बिफोर द ऑपरेंड्स, जैसे प्लस ए बी है यहाँ पर, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ऐसे हम कब लिख सकते हैं वे हम आगे देखेंगे, अभी हम फिलहाल इनफिक्स ही यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। देन वी हैव अनदर थिंग कॉल्ड एज पोस्ट फिक्स, पोस्ट मीन्स बाद में, ठीक है, एट द एंड, आफ्टर, ठीक है, इन मीन्स बिटवीन, प्री मीन्स बिफोर, एंड पोस्ट मीन्स आफ्टर, ये तीन चीजें हमारे पास, ठीक है, ये तीन चीजें हमारे पास, इन, इन का मतलब बिटवीन, बिटवीन द ऑपरेटर्स, प्री का मतलब बिफोर द ऑपरेटर, एंड पोस्ट का मतलब आफ्टर द आफ्टर ऑपरेंड्स, ठीक है। तो ऑपरेटर कहाँ आएगा, ऑपरेंड्स के बिटवीन आएगा, बिफोर आएगा, या आफ्टर आएगा, तो वो डिफाइन करता है हमारे पास हमारे टाइप्स। तो वी हैव इनफिक्स, जिसमें ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेंड्स के दरमियान में, इन बिटवीन द ऑपरेंड्स ऑपरेटर होता है, और प्रीफिक्स में पहले होता है ऑपरेंड ऑपरेटर, एंड पोस्टफिक्स में ऑपरेटर बाद में होता है ऑपरेंड्स की, ठीक है। तो यहाँ पे जो ध्यान रखने की चीज है वो देखने की ऑपरेटर कहाँ पर है। देखो यहाँ पे ऑपरेटर हमारे पास, यहाँ पे ऑपरेटर बिटवीन है, यहाँ पर पहले है, और यहाँ पर बाद में है, ठीक है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस, ठीक है। अब इन्हीं टाइप्स के एक्सप्रेशन में हमारे पास कुछ और भी होते हैं, लेकिन जैसे वी हैव कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन, कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन में क्या होता है, खाली कॉन्स्टेंट वैल्यूज होते हैं, जैसे 2 प्लस 5 का हमने ऐड किया, तो 2 इज ऑपरेंड, 5 भी ऑपरेंड है, और प्लस इसमें क्या है, यहाँ पे प्लस इसमें ऑपरेटर है, लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देने की चीज है कि ये जो हमारे पास 2 और 5 है, 2 और 5 वेरिएबल्स नहीं है, ये कॉन्स्टेंट है, 2 और 5 दोनों कॉन्स्टेंट है, इनका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता। ऐसे ही 56 डिवाइड बाई 4, तो 56 डिवाइड बाई 4, 56 भी कॉन्स्टेंट है, 4 भी कॉन्स्टेंट है, तो बोथ आर दीज आर ऑपरेंडस जो है कॉन्स्टेंट है, ठीक है। जब कॉन्स्टेंट्स पे ऑपरेटर कोई अप्लाई होता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन। ये चीजें हमने पहले से ही की हुई है, बट दिस देन देयर इज अ इंटीग्रल एक्सप्रेशन। तो इंटीजर वो है जहां पर हमें इंटीजर्स हो, सपोज इंट एक्स एंड इंट वाई आर टू इंटीजर्स, ठीक है, तो एक्स माइनस वाई अगर हम करते हैं, क्योंकि एक्स और वाई दोनों इंटीजर्स हैं, ठीक है, इनका वैल्यू तो हमें पता नहीं है, ये वेरिएबल्स है, लेकिन इंटीजर वेरिएबल्स है, तो इन पे एक ऑपरेंड हम ऑपरेटर हमने माइनस का ऑपरेटर यहाँ पे यूज किया है, तो दिस इंटीजर। देन वी हैव फ्लोटिंग पॉइंट एज वेल, अगर दो चीजें फ्लोट हो, सपोज जेड एक्स ए बी वो फ्लोट हो, उन पे अगर हम कोई प्रोसीजर करें, जब ऑपरेंडस फ्लोट हो तो हम उसको बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट ऑफ फ्लोटिंग ऑपरेशन। देन वी हैव वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हमें थोड़ी सी ध्यान देना है यहाँ पे, दैट इज रिलेशनल एक्सप्रेशन। तो रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या हुआ, रिलेशनल एक्सप्रेशन यील्ड्स रिजल्ट्स ऑफ बूल टाइप बूल, बूल का मतलब बूलियन यहाँ पे, ठीक है, बूलियन के दो वैल्यूज होते हैं, मैथमेटिकल बैकग्राउंड वाले बहुत अच्छे से जानते हैं, ट्रू और फॉल्स। व्हेन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन आर यूज्ड ऑन आइदर साइड ऑफ अ रिलेशन ऑपरेटर, they will be evaluated first and then the result of compare. Relational expressions are also known as Boolean expression. तो relational expressions वो expressions होते हैं जिनका value या true हो या false हो,
ठीक है, ट्रू हो या फॉल्स हो। जैसे यहाँ पर एक सिंपल सी एग्जाम्पल है, सिंपल सी एग्जाम्पल है यहाँ पे हमारे पास, एक्स लेस आर इक्वल टू वाई। ठीक है, हमें एक्स का वैल्यू अगर पता होगा, सपोज एक्स का वैल्यू है 5 और वाई का वैल्यू है 8, फिर इसका यहां पे जो है एक्स लेस आर इक्वल, ये लेस तो है, इक्वल तो नहीं है लेकिन लेस है, सो लेस आर इक्वल, सो दिस यील्ड्स ट्रू। ये जो एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू जो हमें आएगा वो आएगा ट्रू। ठीक है, अब यहां पे एक और एक्सप्रेशन है हमें एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 3। सपोज एक्स इज 0 एंड वाई इज 2, तो एक्स प्लस वाई जीरो, एक्स प्लस जेड 0 प्लस 2, तो 0 प्लस 2 इज 2। इज दैट ग्रेटर देन 3? नो, दैट इज नॉट ग्रेटर देन 3। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे फॉल्स, इसका हम एक्सप्रेशन, इसका हम रिजल्ट दिखा सकते हैं फॉल्स। ठीक है, तो रिलेशनल एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होती है जिनका हमें जो वैल्यू मिले एट द एंड वो आइदर ट्रू हो या फॉल्स हो। इनको बोलियन एक्सप्रेशन भी कहते हैं। वी नो द बोलियन या बूल, हम यहाँ पे इसको सिंपल में बोलते हैं बूल, एक या बोलियन एक ऐसा चीज होती है, ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जिसका दो ही वैल्यू होते हैं, या ट्रू होता है या फॉल्स होता है। तो ऐसे एक्सप्रेशन जिनका रिजल्ट या ट्रू या फॉल्स हो उनको हम बोलते हैं रिलेशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, वी हैव ऑल्सो कॉल्ड एज लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो जब कंबाइन टू और मोर रिलेशनल, जब दो या दो से ज्यादा रिलेशनल आपस में कंबाइन किए जाते हैं। देखो यहाँ पे ऊपर वाली एग्जांपल में हमें क्या था, यहाँ पर एक सिंपल चीज थी कि एक ही एक्सप्रेशन थी, ये एक ही एक्सप्रेशन है, ये ए भी एक ही एक्सप्रेशन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लॉजिकल में पहले एक्स ग्रेटर देन वाई, फिर एंड एक्स कंपेयर्स टू 10, इक्वल टू 10 का मतलब कंपेयर्स टू 10, यानी इसका मतलब एक्स बराबर होना चाहिए 10 का। ऐसे यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल एक्स कंपेयर्स टू 10, एक्स इक्वल टू 10, इसको बोलते हैं कंपेयर टू 10। और ये है और की, और का सिंबल, ठीक है, ये एंड का सिंबल, डबल एंड करके एंड का सिंबल बनाते हैं और ऐसे डबल बार्स लगा के और का सिंबल, दीज आर बूलियन एंड एंड और। ठीक है, जो गेट्स हमें पता है बूलियन अलजेब्रा में जो है ये वही चीज है। ठीक है, तो पहले ये एक्सप्रेशन होगी, इसका वैल्यू निकलेगा, सपोज इसका वैल्यू ट्रू और फॉल्स होगा, सपोज ट्रू होगा, फिर इसका वैल्यू निकलेगा, सपोज इसका वैल्यू भी ट्रू है, अगर ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू। ठीक है, ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, वी नो फ्रॉम द बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, ऐसे यहाँ पर अगर यहाँ पे ट्रू निकला और यहाँ पे फॉल्स निकला, वी नो दैट ट्रू और फॉल्स इज ऑल्सो ट्रू और फॉल्स इज ऑल्सो ट्रू। क्यों ट्रू और फॉल्स ऑल्सो ट्रू? बिकॉज हियर इज और ऑपरेशन। ठीक है, एंड ऑपरेशन में दोनों ट्रू होने चाहिए तब जाके ट्रू आएगा, और ऑपरेशन में एक ही अगर ट्रू आया तो हमें ट्रू रिजल्ट निकलेगा। लेकिन यहाँ पे बस समझने की ये बात है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिलेशनल एक्सप्रेशन एंड लॉजिकल एक्सप्रेशन। रिलेशनल एक्सप्रेशन में एक ही एक्सप्रेशन होता है, देखिए उसमें एक ही एक्सप्रेशन, फिर हमने कॉमा यूज किया है, फिर हमने यहाँ पे यूज किया है लॉजिकल ऑपरेशन में दो, पहले ये एक ऑपरेशन है अलग, फिर ये एक एक्सप्रेशन अलग है, तो दो एक्सप्रेशन है यहाँ पे। जब दो एक्सप्रेशन काम लेंगे तब जाके इन पे ये एंड ऑपरेशन होगा। ऐसे यहाँ पे ये ऑपरेशन है और यहाँ पे ये ऑपरेशन, फिर इन पे जो काम होगा फिर जाके ये और वाला ऑपरेशन हमें यूज होगा। ठीक है, तो सिंपल से यहाँ पे रखने की चीज है कि रिलेशनल ऑपरेशन में एक ही एक्सप्रेशन होता है एक्सप्रेशन, तो लेकिन लॉजिकल एक्सप्रेशन में एक दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशन या रिलेशन एक्सप्रेशन होते हैं। अब दोनों का वैल्यू जो है ट्रू और फॉल्स में ही आएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस रिलेशनल एंड ऑल अबाउट एक्सप्रेशन।